ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, आज हम आप सभी को श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृतीय स्कंध का 23वां अध्याय बाबा की द्वारका माई में साईनाथ महाराज को चौपान कराने जा रहे हैं। और ये पावन कथा हमें श्री साईं बाबा के परम प्रियमानस शिष्य श्री साईं बाबा के परम प्रियमानस शिष्य और श्री साईं धाम के संचालक श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेश पर बाबा की द्वारका माई में हम ये महाग्रंथ बाबा जी को सुना रहे हैं, ताकि बाबा जी सब भक्तों का कल्याण करें और सभी के कष्टों को दूर करें। आप सभी देख सकते हैं हमारे पीछे पे विराजमान है शिरडी के साईंनाथ महाराज, ये है बाबा के द्वारका माई और यहीं पर जल रही बाबा की अखंड ध्वनि। तो चलिए अब हम इस महाग्रंथ की पाठ को चालू करते हैं। आप लोगों से आग्रह, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भक्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। साथ ही अगर आप सभी इस दरबार के इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, तो जो ज्वाइन कलर का लिखा हुआ है ज्वाइन जरूर करें और इस दरबार के पर्सनल मेंबर जरूर बने। तो चलिए अब इस महाग्रंथ की पावन कथा को चालू करते हैं। भक्तों, कथा को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक विशेष आग्रह कि आप सभी कमेंट में राधे राधे या जय साईं राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, कमेंट करें, ताकि आप लोगों के संकट और कष्ट को भगवान वासुदेव जी दूर करें। तो पूर्व अध्याय 22वां में हमने आप सभी को सुनाया था कदर्म ऋषि के साथ शंभु मनु द्वारा अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करना का कथा हमने सुनाया था। और अभी जो 23वां अध्याय है, इसमें योग बल द्वारा कदर्म ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना का इस पावन कथा को अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा थी। कदम ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते ही थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली कि मेरी स्त्री का गृहस्थ जीवन के सुखोपभोग की अभिलाषा। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि इसने एक राजपुत्री होते हुए भी कभी मुझसे अपने लिए वस्त्राभूषण आदि की मांग नहीं की। देखिए, एक राज स्त्री होते हुए भी उस महिला ने कभी भी किसी भी प्रकार की सामग्री की मांग अपने पति से नहीं की, इसलिए इसकी कामनाओं को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। यही सोचकर उन्होंने उसकी जो मांगी गई कामना को पूर्ण करने का विचार कर लिया। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले कि हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ, जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से लाकर दूंगा। श्री नारायण भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंद दाता हैं। जब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है। बोलिए बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसे मैं आपसे मांग लूं, कितना सुंदर शब्द उस महिला ने अपने पति के लिए कहा। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही तो मुझे आपको अर्पित की है। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कदर्म ऋषि बोले कि हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनोइच्छा अवश्य पूरा करूँगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपभोग की कोई वस्तु तो है ही नहीं, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी एवं धूल से लथपथ रहा आता है। ऐसी हालत में भोग विलास किस तरह हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कदर्म ऋषि ने उनके मन का सब हाल जान लिया।
तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां पर एक ऐसा मनोहर रत्न जटित विमान प्रकट कर दिया जो स्वर्ण से निर्मित और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल धूसरित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति के मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मल और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड का उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहावने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भौरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कदम ऋषि ने देवहूति से कहा कि हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली तब वह बहुत ही ज्यादा सुंदर वस्त्र आभूषणों को पहने हुए थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां भी जो सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित थी और अपने हाथों में चवर लिए हुए थी उस कुंड से बाहर निकल देवहूति से कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी हैं। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि उसे देखकर कामदेव की स्त्री रति भी लज्जित हो जाए। जब कदम ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा तब उन्होंने हृदय में यह विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ज्यों ही कदम ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया त्यों ही वे अश्विनी कुमार के सामने दिव्य स्वरूप युवावस्था वाले हो गए। इस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में रहती हैं वे सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर, उस विमान में रहकर कदम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक संसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका तब जी चाहता था तभी वह विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर में ही इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कदम जी और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कदम ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए और उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कदम जी ने यह विचार किया कि अब मुझे संसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा कि हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी से नहीं लगता। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, कि हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक संसारी भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा ना करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए ही साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहां से ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर कदम जी ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वह अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर मैं सभी से गृहस्थम को त्यागता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कदम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा कि हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात पर ब्रह्मा परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई।
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर के तृति स्कंध का 23वां अध्याय संपन्न हुआ। कल अब आप सभी को साईनाथ महाराज को 24वां अध्याय की पावन कथा सौंपान किया जाएगा। बहुत पतित और पावन है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा। आप भक्तों से बस यही आग्रह कि आप इसे पूरा सुने, बीच में ना सुने और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हम आप सभी के कष्टों और आपके जीवन में आ रहे परेशानियों को दूर करने के लिए ही बाबा की द्वारका माई में यह बाबा जी को सुना रहे हैं, ताकि सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो ज्वाइन जरूर करें। हम मिलेंगे कल के अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखें। ओम साईं राम।